बेसिक शिक्षा विभाग में 31,261 नवनियुक्त शिक्षकों के लिए 26, 27 व 28 को ऑनलाइन काउंसलिंग होनी है। काउंसलिंग के नवनियुक्त शिक्षकों को 29 और 30 को नियुक्ति पत्र का वितरण ऑनलाइन किया जाएगा, जिसको लेकर लखनऊ से शिक्षा विभाग के उच्च अधिकारियों ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से तकनीकी व्यवस्थाओं की समीक्षा की तथा ऑनलाइन काउंसलिंग प्रक्रिया को सकुशल सम्पन्न कराने के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया। जिसके संबंध में BSA बीएन सिंह ने बताया कि प्रेरणा ऐप के माध्यम से नवनियुक्त शिक्षकों की 26, 27 और 28 को काउंसलिंग कराई जाएगी तथा उन्हें 29 और 30 को ऑनलाइन ही नियुक्ति पत्र दिया जाएगा, जिसको लेकर शिक्षा विभाग पूरी तरह से सतर्क है। BSA ने बताया कि नवनियुक्त शिक्षकों के नियुक्ति पत्र प्रदान करने के बाद उन्हें रोस्टर के अनुसार विद्यालय का आवंटन किया जाएगा, जिसमें पूरी पारदर्शिता और शुचिता बनाए रखने के लिए निर्देशित किया गया है। जो सर ने बोला उसी को जस्ट पर कई सारी बार बार चीजें आई हैं। सबसे पहले तो सर ने जैसे बोला अभी जो विज्ञप्ति को जो वितरित की अगर है वो है तो अगले दो दिन 26, 27, 28 जो काउंसलिंग होनी है, तो जैसे सर ने बताया उसमें सारा हमारा डॉक्यूमेंट का जो भी प्रॉब्लम था वेरिफिकेशन री वेरिफिकेशन वो पूरा कम्प्लीट होना है और 29 और 30 को जैसे शासनादेश के अंदर है उसमें स्कूल गवर्नमेंट का ये पूरी प्रक्रिया होगी सॉफ्टवेयर के माध्यम से, तो इसमें कोई वो नहीं होना चाहिए। तो पूरा ये प्रक्रिया अगले 4-5 दिन में कंप्लीट करनी है। दूसरा कई बार कई जगह से कई जनपद ने जैसे अभी किया था मेल टीचर का जो रोस्टर वाला सिस्टम के बारे में, तो पहला इसमें मुझे इसमें हमें ये जैसे देखना है कि जो रोस्टर बनेगा पूरी जो प्रक्रिया है वो उसमें बनी रहेगी। उसके अंदर आपको अलग से कोई डेटा इनपुट डेटा फीडिंग को सही करना है। जैसे इनपुट से बात आई थी कि कुछ हो सकता है जिनका जिनका अभिलेख सत्यापित नहीं हुआ है या फिर वो लोग जो आप एब्सेंट की बात कर रहे थे तो रोस्टर तो पूरा चलेगा उसमें, लेकिन जब जो लिस्ट बनेगी वो लिस्ट जब आप एक बार म्यूट कर लीजिए, जब वो लिस्ट जनरेट हो जाएगी सारे मेल टीचर की रोस्टर वाली लिस्ट, उसमें आप जरूर जब उसमें जो लिस्ट है सारे उजर की है अगर कोई अर्पण उसमें आ गया है उसमें आप बात कर सकते हैं और आपको।